Assalamualaikum students of 8th class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. Today we will start our chapter number 7, Clever Mirchu, Hoshiyar Mirchu. Before discussing the reading of the chapter, we will discuss its difficult words meanings. The difficult words meanings of Clever Mirchu are argued, bahas kar rahe the, voices, awazein, asleep, soya hua, ट्वाइलाइट, सुबह की हल्की रोशनी, कॉटेज, झोंपड़ी, क्वाइट, खामोशी से, प्रिटेंडिंग, जाहिर कर रहा, फायरवुड, जलाने की लकड़ी, एक्साइटेड, पुरजोश, लॉन्सम, वीरान, डीपेस्ट, इशारा, सबसे गहरा, डीपेस्ट, सबसे गहरा, नोडेड, इशारा किया, स्नीक डबे, खामोशी से दूर चले गए, शिडर, खौफ से, वैनिश्ड, गायब हो गए. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 7, क्लेवर मिर्चु. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 38. ऑन योर बुक पेज नंबर 38 द लेसन इज क्लेवर मिर्चु एंड वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ. अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गाँव में रहते थे. They had seven children, all of them were boys. उनके सात बच्चे थे और इनमें से सब लड़के ही थे. The woodcutter and his wife were so poor. लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा गरीब थे. That at times they did not know where to get money to buy food for their children. इतने गरीब थे कि उन्हें बाज़ुकात ये भी मालूम नहीं होता था कि पैसे कहाँ से आएंगे जिससे वो बच्चों के लिए खुराक खरीद सकें. द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट. बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे. दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंगरी. और वो हमेशा भूखे ही रहते थे. द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, हावर वॉज वन हु कॉज्ड हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंशियसिटी. लकड़हारे का जो सबसे छोटा बेटा था वो वालदैन के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहा था. इट इज़ ट्रू, ये सच था, ये सच है, दैट ही डिड नॉट ईट मच. वो बहुत ज़्यादा खाता नहीं है. बट दिस वॉज बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल. लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था. Indeed, when he was born, ताहम जब वो पैदा हुआ, he was only the size of a pepper. वो एक मिर्च के साइज का था. And that was why he was named Mirchu. और इसी वजह से उसका साइज चूंकि मिर्च की तरह का था, इसी वजह से उसका नाम मिर्चू रख दिया गया. Once it happened that there was no rain. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बारिशें ना हुई. फॉर मंथ्स ऑन एंड, कई महीनों तक बारिशें ना हुई. अ ग्रेट फेमाइन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड. और ज़मीन पर जो एक बहुत बड़ा कहत फैल गया. एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव हिज फैमिली. और लकड़हारे के पास कुछ भी नहीं बचा था जो अपने बच्चों को या अपनी ख़ानदान को दे सकता. ऑल द सेविंग्स वर गॉन. तमाम उसकी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी. एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट. और बाकी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. वी कैन नो लॉन्गर फूड आवर चिल्ड्रन. अब हमारे पास बच्चों के खिलाने के लिए कोई खुराक नहीं है. द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ. वुड कटर, लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया. एंड नाइट एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हट. जब वो एक रात चूल्हे के पास, खाली चूल्हे के पास बैठी हुई थी. वन द बॉयज गेट अप इन द मॉर्निंग. जब बच्चे सुबह में उठे. फॉर देयर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के लिए. देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट. तो उनके लिए खाने का कुछ नहीं था. माई डियर, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू. कि हमारे पास, मेरी प्यारी, हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं. वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट. कि हम उन्हें जंगल में ले चलें. एंड लीव दैम देयर. और उन्हें वहाँ छोड़ दें. मे बी सम रिच मैन फाइंड्स दैम. हो सकता है कि कोई अमीर आदमी उनको पा ले. एंड टेक्स दैम होम. और उन्हें अपने घर ले जाए. आई एम श्योर दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ दैम. मुझे यकीन है कि वो इनका बेहतर ख्याल रखेगा. द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड. जो बेचारी बीवी थी वो गम से बहुत ज़्यादा रोई. ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो.
टू हेयर दिस, लिहाजा उसे ये सारा कुछ सुन के बड़ी परेशानी हुई। बट एट लास्ट एट द नाइट वॉर ऑन, लेकिन आखिरकार जब रात का अंधेरा छा गया, शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, तो वो अपने खावन के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा। बट नो अदर प्लान केम फॉर हर टू हर माइंड, लेकिन कोई और जो मनसूबा था उसके जहन में ना आया। शी विश्ड शी हैड ओनली थ्री चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ सेवन, उसने ख्वाहिश की कि उसके तीन बच्चे होते बजाय इसके कि सेवन। दे कुड नॉट बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, के उन्हें अच्छी तरह खिलाया जा सकता और उमदगी से परवरिश कर सकती। एज अ वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब लकड़हार और उसकी बीवी ने बहस की, दे रेज देयर वॉइसिस, तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। द लिटिल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, लिटिल मिर्चू जो छोटा मिर्चू होशियार मिर्चू था, उसने सारा कुछ सुन लिया जो उन्होंने कहा था। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तरह नहीं, ही वॉज नॉट अस्लीप, वो सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो काफ़ी अच्छे तक ये सोचता रहा कि सबसे बेहतर चीज़ क्या हो कि जो वो कर सके। एज सून एज इट इज़ ट्वाइलाइट, जैसे ही सुबह की हल्की सी रोशनी नमोदार हुई, ही गॉट अप क्विकली एंड क्रैप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, वो उठा और रिंगता हुआ झोंपड़ी से बाहर चला गया। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और उसने जंगल की तरफ दौड़ लगाना शुरू की, वो जंगल की तरफ दौड़ा। ही फिल्ड द पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, वहाँ पर उसने अपनी जेबों को छोटे छोटे जो सफ़ेद कलर के पत्थर थे उसको जमा किया। देन ही रैन बैक टू द हाउस, तब वो घर दोबारा वापस भागा। एंड वाज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट स्लीप, और वो अपने बेड पर वापस आ गया और उसने जाहिर किया कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया, वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल में जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज, उसकी माँ ने लड़कों से कहा, यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सबको मदद करनी चाहिए अपने बाप के साथ, सब राग जलाने वाली लकड़ियों को जमा करना चाहिए। फॉर देयर इज नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं हम खुराक ख़रीदने के लिए। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के जो थे वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट देयर हंगर, कि वो अपनी भूख को बिल्कुल ही भूल चुके थे। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर लॉन्सम, और वो अपनी तन्हाई के साथ विद देयर फादर लीडिंग, और वो अपने बाप के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लॉन्सम, जंगल जो था वो बहुत ज़्यादा जंगल में अकेलापन और अंधेरा था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन लकड़हारा हर चीज़ जानता था इसके बारे में सो वेल दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लिहाजा जब वो बहुत ही गहरे सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए, उसके जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रीडिंग ऑफ क्लेवर मिर्चू। नाउ आई एम असाइन यू एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, आपने फी कंसेशन के लिए प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। ऑफ सेवन, उसने ख्वाहिश की कि उसके तीन बच्चे होते बजाय इसके कि सेवन। दे कुड नॉट बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, के उन्हें अच्छी तरह खिलाया जा सकता और उमदगी से परवरिश कर सकती। एज अ वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब लकड़हार और उसकी बीवी ने बहस की, दे रेज देयर वॉइसिस, तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। द लिटिल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, लिटिल मिर्चू जो छोटा मिर्चू होशियार मिर्चू था, उसने सारा कुछ सुन लिया जो उन्होंने कहा था। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तरह नहीं, ही वॉज नॉट अस्लीप, वो सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो काफ़ी अच्छे तक ये सोचता रहा
कि सबसे बेहतर चीज़ क्या हो कि जो वो कर सके। एज सून एज इट इज़ ट्वाइलाइट, जैसे ही सुबह की हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, ही गॉट अप क्विकली एंड क्रैप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, वो उठा और रिंगता हुआ झोंपड़ी से बाहर चला गया। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और उसने जंगल की तरफ दौड़ लगाना शुरू की, वो जंगल की तरफ दौड़ा। ही फिल्ड द पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, वहाँ पर उसने अपनी जेबों को छोटे छोटे जो सफ़ेद कलर के पत्थर थे उसको जमा किया। देन ही रैन बैक टू द हाउस, तब वो घर दोबारा वापस भागा। एंड वॉज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट स्लीप, और वो अपने बेड पर वापस आ गया और उसने जाहिर किया कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल में जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज, उसकी माँ ने लड़कों से कहा, यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सबको मदद करनी चाहिए अपने बाप के साथ, सब आग जलाने वाली लकड़ियों को जमा करना चाहिए। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं हम खुराक ख़रीदने के लिए। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के जो थे वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट देयर हंगर, कि वो अपनी भूख को बिल्कुल ही भूल चुके थे। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर लॉन्सम, और वो अपनी तन्हाई के साथ विद देयर फादर लीडिंग, और वो अपने बाप के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लॉन्सम, जंगल जो था वो बहुत ज़्यादा जंगल में अकेलापन और अंधेरा था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन लकड़हारा हर चीज़ जानता था इसके बारे में सो वेल दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लिहाजा जब वो बहुत ही गहरे सबसे गहरे हिस्से में पहुँच गए, उसके जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुँच गए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रीडिंग ऑफ क्लेवर मिर्चू। नाउ आई एम असाइन यू एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, आपने फी कंसेशन के लिए प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, फॉर योर सेल्फ एंड